जयनगर के सब्जी मंडी में चारों तरफ गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ से बिकने वाले फल और सब्जी गंदगी पर रखकर बेचे जा रहे हैं, जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। अलवर की थोक सब्जी मंडी है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में किसान आते हैं और यहाँ 500 पल्लेदार भी हैं। अलवर की सब्जी मंडी में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। यहाँ की कृषि उपज मंडी समिति दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। इस बारे में यहाँ के व्यापारियों ने मंडी समिति को कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही तक नहीं की गई। दरअसल सब्जी मंडी में जो किसान फल और सब्जी लेकर आते हैं, वो यहाँ पर अपने गले और सड़े फलों और सब्जियों को यहीं पटक कर चले जाते हैं, जिससे चारों तरफ गंदगी फैल जाती है, जिससे बीमारी का भी खतरा बना रहता है। वहीं सफाई ठेके की अगर बात करें तो यहाँ हर माह करीब 90,000 रुपए का ठेका दिया हुआ है, लेकिन सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो पा रहा। मुख्यालय की, अलवर जिला मुख्यालय की ये मंडी है, जो कि जिसमें थोक का फल व सब्जी का विक्रय होता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है गंदगी तो रहती है। लेकिन जो संबंधित ठेकेदार है वो इतना उदासीन है, उसने खुद ने तो 90,000 रुपये में ठेका ले लिया है, परंतु उसने अपना ठेका किसी और को निम्नतम दरों पर दे दिया है। और वो जो है जो ठेकेदार यहाँ पर समुचित रूप से सफाई नहीं करता है, 2-3 दिन में सफाई होती है, और कचरे का आलम आप देख रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध सब्जियों को पूरे अलवर ज़िले में सप्लाई किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गंदगी का आलम इतना है। किस तरह से शुद्धता का पैमाना तय किया जाए, यह सोचने का विषय है। इतनी बार हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं, साथ ही साथ ये जो सरकारी टॉयलेट हैं, ये कब के बने हुए हैं? जब से निर्माण हुए हैं तब से इनका उद्घाटन तक नहीं हुआ, और इन पर ताले जड़े पड़े हैं। कब ये पब्लिक के काम आएंगे, ये भी हमारे समझ से परे है। मेरे तो आपके चैनल से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये कचरे को हटाया जाए और मंडी को स्वच्छ वातावरण बनाया जाए, ताकि यहाँ से जो सप्लाई होने वाली सब्जियाँ हैं वो शुद्धता का पैमाना इस अलवर ज़िले में तय करें। सरकार तो एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो सारे दावे अगर इस अलवर फल सब्जी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पे आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पल्लेदारों को फ्रेश होने के लिए जो लघुशंका जाने तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 500 के लगभग पल्लेदार काम करते हैं, और उनके लघुशंका करने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ओपन में वो यहाँ पर लघुशंकाएँ करते हैं, इसी वजह से यहाँ का वातावरण जो है वो दूषित रहता है।